हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अल्काई टुगेदरनेस। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द प्लांट ब्राह्मी इन डिटेल। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको ऐसे ही फार्मेसी से रिलेटेड वीडियोस लेके आती रहती हूँ। चलिए आज का प्लांट स्टार्ट करते हैं, ब्राह्मी। ठीक है, तो इसका सिनोनिम क्या होता है? इसका सिनोनिम बैकोपा भी होता है। हिंदी में इसको ब्राह्मी बोलते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स कहाँ से कि हमको ऑप्टेन होता है? तो मेनली ये हमको ऑप्टेन होता है बैकोपा मैनोरिना लीन। ये हमारा मेन प्लांट होता है जिससे कि हम इसको ऑप्टेन करते हैं। ठीक है, मेनली इसमें क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ फ्रेश लीव्स एंड स्टेम ऑफ प्लांट बैकोपा मोनेरेरा लीन। ठीक है, फैमिली इसकी स्क्लोफ्यूलारिसी होती है। ठीक है, और ये शुड नॉट कंटेन लेस देन 2.5% ऑफ बैकोसाइड ए ऑन अ ड्राइड बेसिस। ठीक है, देखिए मेनली इसमें क्या होता है, हमारा जो ब्राह्मी का प्लांट होता है, ठीक है, तो इसमें हमारा जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट होता है, हमारा बैकोसाइड जो होता है, बैकोसाइड ए, ठीक है, इसमें ए बी सी ऐसे करके आगे भी आप देखेंगे कि कंस्टिट्यूएंट पाए जाते हैं, तो उसमें 2.5% कम से कम होना चाहिए ड्राइड बेसिस में, जब उसको हम ड्राइड कर लेते हैं। तो ये हमारा इंट्रोडक्टिव पार्ट हो गया आज का प्लांट ब्राह्मी के बारे में। अब हम इसको आगे देखते हैं। जियोग्राफिकल सोर्स ऑल ओवर वर्ल्ड, ये कहाँ कहाँ पे हमारी जियोग्राफी में पाया जाता है, तो इट इज़ फाउंड थ्रू आउट द इंडिया। इसका प्लांट हमारे पूरे इंडिया में पाया जाता है, मोस्टली डैम वेट और डैम प्लेसेस में पाया जाता है। नेटिव प्लांट है हमारा साउदर्न ईस्ट इंडिया का। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है, यूरोप में, अफ्रीका में, एशिया में, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका में भी पाया जाता है ये प्लांट। ठीक है, आयुर्वेद में इसको ब्राह्मी कहा गया है, मतलब कि ब्रह्मा जो कि क्रिएटर ऑफ गॉड है उसकी इक्वालेंट कहा गया है ब्राह्मी को। ठीक है, तो ये इतना ज़्यादा बेनिफिशियल है, इतनी ढेर सारी इसमें मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं, ये बहुत पोटेंट है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, हमारे हेल्थ कंडीशन को मेंटेन करता है और हमारे मेंटल स्टेट को ये स्टेबल रखता है, हमारी मेमोरी को इंक्रीज करने में भी ये हेल्प करता है। आगे भी मैं इसके यूजेस बताऊंगी आपको। ये हमारा जियोग्राफिकल सोर्स हो गया। अब हम आगे देखते हैं, कल्टिवेशन कलेक्शन देखते हैं। ठीक है, ये हमारा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन तब भी हम इसको देख ले रहे हैं। ठीक है, ईजिली ग्रो इन अ डैम एरियाज, इसको हम इजिली डैम एरियाज जो भी हमारे होते हैं वहाँ पे हम इसको ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, प्रोपेगेटेड बाई सीड एज वेल एज विजिटेटिव यूजिंग एज ए रनर। देखिए, प्लांट जो हमारा होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा रनर होता है। ठीक है, रन मतलब रनर जो होते हैं कि काफ़ी फैलते हैं, आपने देखा भी होगा ब्राह्मी का प्लांट, वो सिंगल प्लांट होता है, उससे वो कितना स्प्रेड हो जाता है हमारी पूरी ज़मीन पे। मोस्टली इसका हम लोग प्लांटिंग जो है इसका रेनी सीजन में करते हैं। ठीक है, तो होल हर्ब इज़ जनरली कलेक्टेड आफ्टर द रेनी सीजन, जब हमारा रेनी सीजन का पीरियड ओवर हो जाता है। ठीक है, इन अ मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर, तब हम इसका कल्टीवेशन करते हैं। ये हमारा कल्टीवेशन कलेक्शन हो गया। अब हम आगे देखते हैं, मैक्रोस्कोपिक करेक्टर की इसमें कौन कौन से मैक्रोस्कोपिक करेक्टर्स पाए जाते हैं। तो देखिए, इसका कलर हमारा ग्रीन होता है, आपने प्लांट देखा भी होगा, तो हमारा प्लांट ग्रीन कलर का होता है। टेस्ट अगर आप करेंगे तो बिटर टेस्ट का होता है। ठीक है, साइज होता है हमारे लीव्स का, छोटी छोटी लीव्स होती हैं हमारी, 2 सेंटीमीटर लीव्स का साइज होता है। शेप होता है, शेप लीव्स आर सेसाइल, सेसाइल होती हैं, ओपनेबल नहीं होती हैं, बहुत ज़्यादा ओपन नहीं होती हैं, सेसाइल लीव्स होती हैं। ठीक है, लीव्स लैक अ पेटियोल, पेटियोल सब्सेंट होता है, सो आर अटैच डायरेक्टली टू द स्टेम। तो ये प्लांट हमारा डायरेक्टली स्टेम में अटैच होता है। ठीक है, और ठीक है, एंड लोअर सरफेस और बॉटेड द फ्लावर ब्लूइश वाइट इन अ कलर एट 1 सेंटीमीटर। ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने ब्राह्मी का पेड़ अगर देखा होगा तो आपने देखा होगा कि वेरी स्मॉल, बहुत छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं हमारे, ब्लूइश वाइट कलर के शेड्स में होते हैं, 1 सेंटीमीटर उनका साइज होता है। ये हमारा मैक्रोस्कोपिक करेक्टर है। हम आगे देखते हैं इसके, देख लीजिए आप, ये हमारा बैकोपा मोनेरी, ये हमारा देख लीजिए, हमारा ट्रांसवर्स सेक्शन है, हमारे वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट है इसमें, पैरेन्काइमाइटिस सेल्स हमारा प्रेजेंट है। देखिए, ये हमारा इसमें वैस्कुलर बंडल है, सेंट्रली लार्ज पिथ होता है हमारा, आप देख पा रहे होंगे सेंट्रल में इसमें लार्ज पिथ है हमारा, ये हमारा प्रेजेंट है, ये लार्ज पिथ हमारा हो गया, सेंट्रली लोकेटेड लार्ज पिथ होता है। ये हमारे देख पा रहे होंगे आप, हमारे लिंक्ड पैरेन्काइमाइटिस सेल्स हैं इसमें, हमारे ये लिंकेज आप देख पा रहे होंगे, हमारे लिंक्ड पैरेन्काइमाइटिस सेल्स हैं, कैसे एक दूसरे से एडजॉइंट होती हैं।
ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हमारे पेरिस्टमैटिक जो सेल्स होते हैं उसमें हमारे क्रिस्टल ऑक्सीलेट का डिपोजिशन हो जाता है, हमारे क्रिस्टल ऑक्सीलेट का डिपोजिशन हो जाते हैं इसके सेल्स के अंदर। ये हमारा जाइलम एंड फ्लोएम है, हमारे वैस्कुलर बंडल है, पिक्चर नंबर डी में आप इजिली देख पा रहे होंगे। ये हमारा ट्रांसवर्स सेक्शन है प्लांट का, ब्राह्मी के प्लांट का। अब हम आगे देखते हैं, केमिकल कंस्टिट्यूएंट देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा केमिकल कंस्टिट्यूएंट पाया जाता है। ठीक है, मैं आपको मैंने पहले ही बताया था बैकोसाइड ए एंड बी जो हमारा है, ये मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट पाया जाता है ब्राह्मी के प्लांट में, कि सैपोनिन कंटेनिंग प्लांट है। सैपोनिन कंटेनिंग प्लांट का हमारा ये मतलब है, अगर आप इसको ड्राई इसका पाउडर लेंगे, वाटर ऐड करके शेक करेंगे, तो ये फोर्थ का फॉर्मेशन करेगा। फोर्थ का मतलब हुआ हमारा झाग का फॉर्मेशन करता है, फोर्थ फॉर्मिंग प्लांट्स हैं ये, इसलिए सैपोनिन कंटेनिंग प्लांट्स हैं। अल्कोलाइड्स भी इसमें पाया जाता है, कौन कौन सा अल्कोलाइड पाया जाता है, तो ब्रामीन पाया जाता है, हेस्पेरिटिन पाया जाता है। अदर्स में अगर आप चले जाएंगे तो इसमें बटरलिक एसिड भी पाया जाता है, स्टिगमेस्टेरॉल भी पाया जाता है, मैनरीन पाया जाता है, हर स्पैनोनिन पाया जाता है। तो ठीक है, ये हमारा सारा स्ट्रक्चर हो गया, और ये हमारा मेन जो बैकोसाइड ए है आप देख पा रहे होंगे, ये बैकोसाइड ए बी है, ये हमारा उसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, सबके मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट का स्ट्रक्चर है ये। अब यूजेस में देखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है ये, नर्वाइन टॉनिक है। ठीक है, हमारे न्यूरॉन्स मैंने आपको बताया ना कि बहुत अच्छा है, अगर आप इसका डेली इंटेक करेंगे तो आपका मेमोरी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, इवन मेंटल डिसीजेज होती हैं, जो मेंटल इलनेस होती है उसको भी ये क्योर करने में बहुत हेल्प करता है। अस्थमा में भी इसका यूज़ करते हैं, इलिप्सी वगैरह इपिलिप्सी में करते हैं, जैसे जिसको भी मिर्गी आते हैं, उसके दौरे आते हैं, उनको उनके लिए भी बहुत फ़ायदा करते हैं। ठीक है, इंसैनिटी हो गया हमारा, डायूरेटिक हो गया, डायूरेटिक हमारी यूरिन का फ्लो फास्ट हो जाता है, इसमें काफ़ी तेज़ हो जाता है, और बार 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 यूरिनेशन की प्रोसेस होती है, तो उसमें हमारा बहुत हेल्प, उसको क्योर करने में ये बहुत हेल्प करता है। ठीक है, एंटी कैंसर एक्टिविटीज़ भी इसमें शो करती है, तो इसके बहुत सारे यूजेस हैं हमारे हमारे डे टू डे लाइफ में ब्राह्मी का। ये बहुत अच्छा हेल्थ के लिए तो है ही है, हमारे स्किन के लिए भी ये बहुत अच्छा है, हेयर्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप अपनी स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, ये हमारा ब्राह्मी का प्लांट है। ठीक है, ऐसे ही स्प्रेडिंग प्लांट्स होते हैं, देख पा रहे होंगे कि इसके लीव्स जो हैं सेसाइल हैं, इसका लेंथ भी ज़्यादा नहीं है, और हमारी लीव जो है डायरेक्ट स्टेम से अटैच्ड हैं। ये हमारा ब्राह्मी का प्लांट है। वैसे इसकी एक दो स्पीसीज और भी पाई जाती हैं, उसमें थोड़ा ब्रॉड उसके लीव्स होते हैं, मैं आपको आगे भी दिखाती हूँ। ठीक है, ये देख लीजिए आप, लाइट ब्लूइश कलर का टिंच होता है, इसमें वाइट कलर के भी फ्लावर्स होते हैं, इसमें अलग अलग वैरायटीज़ होते हैं, वाइट कलर का फ्लावर होता है, पर्पलिश फ्लावर होता है, लाइट ब्लू कलर के फ्लावर्स होते हैं, अलग अलग वैरायटीज़ में अलग अलग कलर के फ्लावर होते हैं, तो आप इसमें परेशान मत होइएगा, इसमें वाइट कलर के फ्लावर से पियर हो रहे हैं हमारे। ठीक है, मैं आप लोग को डायग्रामेटिकली इसलिए दिखा दे रही हूँ, इसे चीज़ें ये जल्दी याद हो जाती हैं, हम मेमोरी में सेव हो जाती हैं। अब देख पा रहे होंगे कि ये भी हमारा ब्राह्मी का ही प्लांट है। इसकी लीव्स देखिए काफ़ी ये भी हमारा ब्राह्मी का ही प्लांट है।